एक भैया पूछ रहे थे कि मोबाइल यहाँ नहीं चलते, अभी तो मैं चाहता हूँ सरकार से, मेरी दरख्वास्त भी है कि इस जगह को देखिए आप, गंदगी का आलम देखिए आप, मैं दिखाऊंगा आपको पूरा। ये मणि महेश है, हम इस जगह को, हम शुद्ध नहीं रख पा रहे। हम अपने देश की बात करते हैं, क्या यही दे रहे हैं हम महादेव को? देखिए आप, ये बॉटल्स, ये प्लास्टिक, वो गंदगी, कोई प्लानिंग नहीं है गवर्नमेंट के पास। मैं सरकार से बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ कीजिए, इस देव स्थान को बचाइए। मोदी जी, हमारे राष्ट्रपति जी, या कोई भी माननीय जितने भी मंत्री हैं, आई विल बेट यू मंत्री जी, आई विल बेट यू एवरीबडी कि अगर आप एक बार इस स्थान पर आएंगे ना, तो महादेव को साक्षात पाएंगे। ये देखिए आप, क्या गंदगी फैलाई है हमने, और इतना सुंदर देव स्थान है ये, और उसको हम ये सब दे रहे हैं? हिमाचल देव भूमि है, हिमाचलवासी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या वो गंद नहीं फैला रहे? मुझे हिमाचलवासी बता दें, वो क्या कर रहे हैं? ठीक है, सरकार ने आपको आयाम नहीं दिए, तो ऐसे व्यक्तियों को चुनकर लाइए जो कुछ कार्य करने वाले हो, जिनकी सोच उच्च हो। देखिए आप, ये है गंदगी, और कहीं भी लोग फ्रेश हो रहे हैं, लोग यहीं पे वॉशरूम चले जा रहे हैं इसी जगह। इतने बड़े देव स्थान को महादेव हम क्या दे रहे हैं, आप खुद सोचिए। चलिए, थोड़ा मैं अपना ध्यान से आगे बढ़ता हूँ। जय शंकर। दीदी जी, जय शंकर, कैसे हैं आप? जय शंकर दी। अच्छा दीदी जी, कहाँ से आए आप? पालमपुर से आए हो? अच्छा, आप तो मेरे ही शहर से हो। अच्छा, पालमपुर में कहाँ से हैं? अच्छा, गढ़जमूला से हैं आप, क्या बात है। और आप? हाँ जी, मैं वाराणसी से हूँ। माइकल। अच्छा अच्छा अच्छा, थुरल वाले मंडली के साथ। थुरल वालों के साथ, तो थुरल वाले भी हैं आपने? जी हाँ। अच्छा अच्छा, उनसे भी मैंने वैसे बहुत बातें करनी, पर चलो। अच्छा दीदी, आप बताओ, मतलब कैसी लगी ये जगह? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी दर्शन हुए। क्या बात है, बड़ी मनोकामना थी यहाँ की, मनोकामना पूरी हुई, और दर्शन बहुत अच्छे से किया हमने। तो अब भाव कैसे जगे? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप बताइए कुछ अपने विचारों में। दो बार पहले भी आ गई। अच्छा, तो भोलेनाथ की कृपा बढ़ गई है। जय शंकर। किसी ने शक्ति दी आने की, अदरवाइज हमारे से कहाँ चढ़ा जाना था और कहाँ चला जाना। सही बात है, सही बात है। तो आपकी बुरा ना मानो, वैसे और लेडीज से पूछते नहीं है, बट मैं जानना चाहूंगा कि आप बताइए आपकी उम्र कितनी? मेरी? हाँ जी। अच्छा, वाह, तो ये मेरी सभी माताओं बहनों के लिए संदेश है। 52, और मैंने कुछ ऐसी वृद्ध महिलाएं भी देखी जिनकी उम्र अधिक है, तो वो 70-75 की होंगी। तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो लोग आए देवस्थान, आए दर्शन करें महादेव के। सोचता है ना, क्या कहते हैं, बहुत बहुत जरूरी है। हाँ जी, हाँ जी। मेरी तो एक्चुअली 25 साल पहले से इच्छा थी। अच्छा, क्या जाऊंगी जी, भगवान जी का बुलावा नहीं था, नहीं था, अभी हुआ तो बहुत अच्छी से। तो मैं अभी अपने सभी दर्शकों से एक अरदास करता हूँ, क्योंकि मेरे कैमरे की होगी बैटरी लो। तो अरदास मेरी अपनी दीदी के सामने, एक ही है, सारी मावा तो बहना तो ममता रूप छोड़ दो, तो अड्डे अंदर चंडी भी हैगी, दुर्गा भी हैगी, हुन टाइम आ गया है, धर लो, धर लो रूप, धर लो अपना, ता ही तो अड्डे बच्चे इस माज शुद्ध होना है। की कहते हो, है ना? ठीक है दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल, यही चाहिए माँ, यही चाहिए मेरे लिए। आप माँ भी हैं, बहन भी, आप सारा स्वरूप देवी का है। तो मैं इसी भाव से आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे समक्ष तो देवी बैठी है, और वो इक्विप्ड है, भोलेनाथ ने उनको इक्विप किया है। तो मैं सभी अपनी माताओं बहनों से, अपने इस ब्लॉग के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी यहाँ पधारें और अपनी शक्तियों को बढ़ाएं, इस देव स्थान में भोलेनाथ के दर्शन करें। देखिए आप, कितने कितने दूर दूर से लोग आ रहे हैं। तो मैं सभी से एक ही चीज़ कहता हूँ, कुछ मैं टूरिस्ट लोग दिखते हैं, उनके भी कुछ एक्सपीरियंस लेते हैं,
जय शंकर हर महादेव, जय शंकर प्रभु। सबकी यात्रा मंगलमय हो। बहुत अच्छा लग रहा है शिव जी के महाराज के दर्शन करने जा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। कहाँ से आए हो? हर हर महादेव, गुरदासपुर से। गुरदासपुर, गुरदासपुर। आप कहाँ से आए? बिहार से। अच्छा, बिहार से चले आए आप। क्या बात है, क्या बात है। अकेले? नहीं, और साथी। और भी साथी है? कितने साथी है? 16 आदमी का टीम। बिहार से सर? कुछ लुधियाना। क्या बात है। तो कैसे पता चला महादेव के बारे में? यही लुधियाना में हमारा मेरा भैया रहते हैं, वही बताए ऐसे से। अच्छा, तो आपने सुना। और तो सुनने के बाद कितने दिन लगे आपको महादेव के दर्शन करने में? सुनने के बाद बस वही 8 दिन। 8 दिन में जी। कुल कृपा है प्रभु की। जय शंकर हर हर महादेव, शंकर हर महादेव। तो दोस्तों, ये लंगर में सेवा चलती हुई देखिए आपके समक्ष। लंगर सेवा जो है, मैं आपको दिखाता हूँ, बैनर दिखाने की कोशिश करता हूँ। मुकेरिया वाले ने लंगर जी 3 जगह लगता है। एक हड़सर में, एक उसके आगे एक जगह लगता है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। आगे चल रहे हैं, हम देखते हैं क्या हो रहा है। आगे का भी सिनेरियो देखते हैं, रात को कैसे यहाँ पे सिस्टम चल रहा है। तो अभी मुझे कहा गया कि दूध का वितरण होना है। मैंने बोला अवश्य, चलिए देखते। जय शंकर हर महादेव। जय बोले, जय भोलेनाथ, जय शंकर हर महादेव। क्या बात है, क्या बात है। देखिए सारे लोग कोशिश करते हैं, कुछ बात करते हैं लोगों से। जय शंकर, जय भोले, जय शंकर। दूध बांटा जा रहा है। जी लगे हुए दूध के वितरण। जय शंकर, जय शंकर। देखिए सेवा में सर, कैसा है दूध? बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। जय शंकर, जय शंकर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। आप लोग कैसा लगा, मतलब ये जो कर्म काज चल रहा है ना? So, हम सब लोग ना कहीं से हैं, है ना? किसी ना किसी माँ के बेटे हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारे हिंदू भाई क्यों धर्म को भूलते जा रहे हैं? उसका दोषी कौन है? ये बात कर सकता है, इसके ऊपर है किसी में इस बात को बोलने की हिम्मत है? प्रभु, हमारे सिख भाई तन मन धन से सिख भी हैं और हिंदू भी हैं जो सेवा में लगे हैं। सिखी का मतलब है जो सीख के आता है, नहीं गलत बोल रहा हूँ, जो सीख के आता है ना, गुरु। तो आप लोगों को ये समझना है कि गुरु का मतलब क्या है, और अपने लिए कुछ सोचिए। वो लॉर्ड शिवा आपके समक्ष बैठा है, कुछ इस देव भूमि के लिए बड़ा कीजिए, साथ चलिए, बड़े कर्म कीजिए। नहीं हो सकता क्या? हम एक नहीं हो सकते? एक स्वर नहीं हो सकता क्या? सिर्फ ये मोदी जी के नक्का ठीक है क्या? आप लोग कब करोगे उनके जैसे? जो हमारे धर्म की जो शिक्षा है, जो हमारे शास्त्र कहते हैं, हमने खुद नहीं पढ़े, हमारे बच्चे क्या पढ़ेंगे? कब पढ़ेंगे हम वो शास्त्र? कब जानेंगे सत्य में उसको? बस आके दर्शन कर लिए जी, कूड़ा फैला दिया जी, कटियां कर दी अगल बगल में जी, चले गए। क्या गलत बोल रहा हूँ क्या? है ना, बुरा तो लगता है सच जानकर, लेकिन वो सत्य का ज्ञान होना जरूरी है। आप सब लोग साक्षी हैं इस चीज के, आपके समक्ष है। जगह गंदी हो रही है ना, चाहे वो यहाँ चंबा का हो, हिमाचल का हो। ये हमारा धर्म क्या है? क्यों नहीं हम प्रशासन से लड़ पाए इस जगह के लिए? आप अगर इस जगह सत्यता देखते हो इसीलिए तो आ रहे हो। अगर ये सच नहीं होती जगह तो क्या आप आते? है ना, हो रहे हैं ना दर्शन भोलेनाथ के? किस रूप में वो है आपको नहीं पता, है ना? आपके सामने से निकल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, है ना? तो आप लोगों को सोचना है कि अगर आप 15 मिनट दिन में, सिर्फ 15 मिनट दिन में अगर आप टाइम देंगे ना शास्त्र को, अपने धर्म ग्रंथ को, तो आपके बच्चे देंगे। ठीक है, आप ही नहीं दे रहे। हाँ, पापा के पास टाइम ही नहीं
ग्रंथ के लिए ना, बच्चों के लिए, वो तो सिर्फ नोट की गेम में लगा हुआ है। कौन सी गेम? नोट की, सही है ना। अब नोट की गेम में इतना क्षीण हो चुका है, सिर्फ सेल्फिशनेस बढ़ गया है। मैं और मेरा, हमारा तो है ही नहीं। हम और हमारा की कब बात करेंगे मेरे भाई? क्या बोलते हो आप? गलत बोल रहा हूँ क्या? आप खुद बताओ क्यों भाई। तो मैं सिर्फ आप लोगों से सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ कि मतलब जैसे आप यहाँ आते हैं, भोलेनाथ के दर्शन करते हैं, तो कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है इसलिए आते हैं। अच्छा, कुछ ना कुछ तो है जो हम इधर आ रहे हैं, जो आपको बुला रहा है। बात उधर नंगे पैर ही आ रहे हैं। क्या बात, हर बंदे के पास कुछ ना कुछ स्टोरी होगी। तभी यहाँ पहले खुद आता है, फिर शायद फैमिली को लाता है, माता पिता को लाता है ना। हर बंदे की अपनी अपनी स्टोरी है, और वो स्टोरी बहुत बड़ी है। जिस दिन आप वो बताना सीख गए, आप भोलेनाथ के संग हो गए, समझ गए। तो वो बतानी कैसे है वो आपको सोचना। इट्स अ स्टोरी राइट। तो सॉरी मैंने अगर आप लोगों को डिस्टर्ब किया हो। सो आई एम जस्ट टॉकिंग ट्रुथ एंड दैट इज ऑन कैमरा एंड दैट विल बी विजिबल राइट। आई डोंट डू शिट विच इज नॉट इन यूज एक्चुअली। मैं ऐसा काम नहीं करता, मैं सत्य पे काम करता हूँ। तो आपको सिर्फ मेरा काम है कि चार शब्द सुन के अगर कोई जागृति होती हो तो क्या दिक्कत है, बोल देते। बाकी सब जय शंकर है, आप मेरे लिए शंकर है। कण कण में है, हर सूक्ष्म चीज में बैठा। चलिए, जय शंकर हर महादेव, जय भोलेनाथ सभी भाइयों। भोलेनाथ हर हर महादेव। दूध के लिए उठ जाएं कृपया आप सभी। पूरा यहाँ पे थोड़ा आमी रूल है, पूरा ध्यान रखा जाएगा। दूध पिलाया जाएगा, आपकी सेहत के लिए अच्छा है। जय भोलेनाथ। दर्शन तो अड्डे समक्ष बैठा, तो अड्डे सामने तो निकल जाएगा, तो उन्हें पता नहीं लगेगा। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। यहाँ बैठते हैं थोड़ी देर। तो इनका लंगर जो मैंने देखा, मतलब मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, आई एम इन्वाइटेड बाय देम। मुझे प्रभु सेवा मिली, बोला आइए, मैं लग गया। तो जो ये कर्म कर रहे हैं, उच्च कोटि का, और कब से कर रहे हैं? 24 साल हो गए, 24 साल हो गए। बस वो आगे वो वर्ष पढ़ाते गए सिस्टम। आज सब कुछ ऑटोमेशन पर है, एक एक बच्चा मन से काम कर रहा है राइट। आप सोच रहे हो कि इनकी लाइफ कैसी सुंदर होगी, क्योंकि इतना बड़ा ये प्रभु कर्म कर रहा है। सबसे औखा काम है सुलाना। हाँ जी, हाँ जी, लड़ाई तो आई है, वो सब कुछ मैनेज कर देने। ये थोड़ा गुस्सा भी हो जाते हैं, पर वीरा अपनी जगह करेक्ट है। बिकॉज आप लोग आते हैं, कई लोग ये नहीं समझ पाते कि यार हमें अंदर जूतों में ही चले जाना है। अपने सामान की ज्यादा चिंता करते हैं और दूसरों के नहीं करते, है ना। दूध पी लो भैया, दूध कैसा है भैया? दूध इट इज गिविंग पावर। हाँ सर, आपने लिया? कैसे है सर? गर्म है। अच्छा, गर्म है, गर्म है, कोई बात नहीं। मतलब आपको गर्म दूध मिल रहा है, और गर्म पानी भी अगर मांगेंगे तो वो भी मिलेगा। क्या महादेव, महादेव। देखिए दोस्तों, मतलब दूध बांटा जा रहा है बिल्कुल, और मैं ये पहले लोगों को बांटते और फिर खुद ग्रहण करते, ये इनका बड़ा सूक्ष्म कर्म है। जितने भी बंदे सेवा भाव से लगे हुए, मन से लगे हुए, तन से लगे हुए, धन से लगे हुए, तो बस मैं आप सभी से एक ही अनुरोध करता हूँ कि एक एक रुपया भी हम बढ़ाएं तो हम इस जगह को और दिव्य और दुर्लभ बना सकते हैं। तो मैं आपके समक्ष बस यही विचार रखना चाहता हूँ, इसीलिए बार बार आपको परेशान करता हूँ। जय शंकर हर हर महादेव। जय शंभू। आप सभी माताओं बहनों को प्रणाम। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।
महादेव महादेव जय शंकर जय शंकर जय शंकर। वो आपके लिए दूध लाए हैं तो इसलिए जगाने का क्रम मिला था, तो मैं हल्ला करने के लिए आया, इसलिए आपको झूठ बोलना पड़ा, इसीलिए हमें झूठ नहीं। जय भोलेनाथ, इनको भी प्रभु उठ जाइए, अन्यथा 5 रुपए फाइन रखा हुआ है हमने, अगर आपने दूध नहीं पिया तो 5 रुपए फाइन रख दीजिए, सोचिए ठीक है। जय भोलेनाथ। तीन बजे सोया था मैं।